हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। एक नया दिन और एक नया व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ रामपुर। सुबह के अभी जो है 8:30 बज रहे हैं और सुबह भाभी ने कॉल किया था कि रामपुर चलना है, तो भाभी और मैं रामपुर जा रहे हैं। तो फिर बस आ गई है, तो बस पार घर के पास ही खड़ी है, क्योंकि जहाँ से हमारा घर के लिए रोड कटता है अंदर के लिए, वहाँ से ऊपर से जो है रोड गिरा है। रात को जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो उससे जो है पूरा रोड गिर गया है। उस वजह से बस वहीं पे फंस गई है। तो 2-3 लोग आए थे यहाँ पे घर से, बेलचा कश्ची ले गया रोड ठीक करने के लिए, तो ये भी ठीक हो गया, नहीं तो मेरे से बस छूट जानी थी। ये भी सही हो गया है कि अभी बस को टाइम लगेगा पार। तो अब रोड को चलते हैं, तैयार तो हो गया हूँ। देखते हैं ज़रा कितना रोड गिरा है, कितना नहीं गिरा है, दिखाता हूँ आप लोगों को भी वहाँ जाके। भाभी को मैंने कॉल किया था, वो भी तैयार हो गए, बट अभी 50-50 है कि बस में जाना है कि भाई एक साथ गाड़ी में जाना है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं यहाँ से पहली बस आई है, अभी दूसरी बस तो आई, दो बस जाती है सुबह मॉर्निंग में। तो पहली बस आई है, तो पहली बस में अभी तक अनस तक जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं भैया क्या बोलते हैं। अगर आएँगे तो ठीक, नहीं आए तो फिर दूसरी बस में जाएँगे। तब तक के लिए रोड चलते हैं, दिखाता हूँ कितना गिरा है कितना नहीं। यहाँ से हमारा रोड आता है अंदर को, और यहाँ ऊपर से गिरा है पूरा, पूरा गिरा है नीचे। छोटी गाड़ियाँ तो निकल रही है आगे से, बस के लिए तो काफ़ी स्पेस चाहिए, तो कर रहे हैं। ये नेल पॉलिश मम्मी ने पता कब की लाई है? जब सोलन नहीं आए थे मम्मी, जब ये सूट लिए थे तब से ये पहली बार लगा रही हूँ मैं। और जो मम्मी अपने लिए आए थे, दो लाए थे, ये एक मेरे लिए पिंक वाली, अपने लिए रेड वाली। इन्हें गेज कोई भी अच्छा हाँ सो पूरी चोरों तो चलो 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 अभी हम लोग जो है हॉस्पिटल आए हैं, भाभी को हॉस्पिटल में चेकअप करवाना था अपना, तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल आए हैं इस टाइम पे, उसके बाद जाएंगे मार्केट। रिजवल और आशीष मिल गए मुझे यहाँ पे, नारकंडा से रामपुर पहुँचे हैं गोलगप्पे खाने। इतने फेमस है रामपुर के गोलगप्पे कि रामपुर पहुँचे दोनों। अभी जस्ट मिले मुझे ये यहाँ पे शोरूम में गाड़ी का काम करवाने आए, सर्विस करवाने आए हैं। I got my peaches out in Georgia. मुझे जो है रिजुअल और आशीष मिल गए थे, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया, तो वो लोग जो है सर्विस के लिए आए थे गाड़ी की अपनी। तो फिर उसके बाद उनके साथ ही घूम रहा था भैया, भाभी हॉस्पिटल में बस अब थोड़ी देर में फ्री होने वाले हैं, उनके साथ फिर मैं गाड़ी में ही रामपुर तक आ गया हूँ और वापस नारकंडा चले गए। तो मुझे साथ ले जा रहे थे नारकंडा को, तो मैंने कहा कि नहीं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, जब जाऊँगा सोलन वगैरह तब चले जाऊँगा। तो अभी इस टाइम पर अभी मैं खड़ा हूँ रोड में, तो भैया भाभी का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं 15-20 मिनट कब आएंगे, बस फ्री हो गए थे वो, बस अब आना है थोड़ी देर में। उन्होंने कॉल आ रही है भाभी की, तो भाभी ने भी कॉल किया था, तो वो लोग आ गए पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं, उसके बाद बाज़ार चलते हैं, बाज़ार
थोड़ा बहुत बाजार दिखाते हैं आपको। उस पहले सतलुज दिखाता हूँ यहाँ से कितने पास, सतलुज कितने पास है मेरे यहाँ से। और आजकल पानी बहुत ज़्यादा बड़ा है, आजकल जो है पानी काफ़ी ज़्यादा है, बरसात का मौसम है तो पानी काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला एरिया पूरा ब्रॉक आ गया। घर देखो कैसे बनाए पहाड़ के बीच में। चलो रामपुर चलते हैं। गर्मी से बुरा हाल हो गया है रामपुर में, मौसम ख़राब है फिर भी इतनी गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो गया है रामपुर में आज। आजकल तो रामपुर में मरने के काम है। थोड़ा बहुत सामान लेने को है हमें, उसके बाद फिर घर सीधे। कैसा लग रहा है? थक तो गया है, हॉस्पिटल में ही थक गए। 11 बजे से हम हॉस्पिटल में थे, 2 बजे फ्री हुए। हाँ तो टाइम लग गया हॉस्पिटल में। क्या खा? ये नहीं चाहते मैं खाऊं। क्या हुआ मेरा? खोया एक होया है। कहाँ खोया? खोया कुल्फी। अभी जो हम लोग अमरटेक आए थे ध्रुवी के लिए कपड़े लेने, और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिल गए उसके लिए। 2 टी शर्ट, 2 निक्कर टाइप मिल गई, और एक भाभी ने अपने लिए नाइट ड्रेस लिया है, और ये पोचा लिया है मैरून। क्या कलर तू क्या घूम रही है? नहीं लूँगा तेरे को। अच्छा ये वाला अच्छा है। हाँ ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। अब मैं टैक्सी खाता हूँ रामपुर का, ठीक है ना? यहाँ पे प्राइसेस रीजनेबल है, अच्छे है। ग्राउंड फ्लोर सारा कपड़ों का है और फर्स्ट फ्लोर सारा खाने पीने का है। हाँ जी, तो अभी जो है शाम के 5 बज गए हैं। अभी हम लोग जस्ट रामपुर से निकले और नोगली पहुँचे, और यहाँ पे जो है भैया भाभी चेयर्स देख रहे हैं ध्रुवी के लिए। रुको आ रहा हूँ। तो बस अब यहाँ पे नोगली के पास रुके, दिखाता हूँ आप लोगों की क्या ले रहे हैं ये लोग, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले चेयर्स ले रहे हैं, कितने की है ये? कितने का है? कॉस्टली तो हो गया ये। ये भी अच्छा है बैठने के लिए। तो यहाँ पे ये सब देख रहे हैं। और कार्ड खोलो, सब खोलो बे, इसमें गांठ पड़ी हुई। चीर फाड़ करो इसकी। दिखी ना गांठ, वही ना खोलने दे। चम्मच की जरूरत है। 1 बार नहीं ऐसे, ठीक है ये इस बाल्टी के बदले, ये ठीक है ये बाल्टी नहीं। मतलब इसमें तो चाय भी आ जाएगी। चाय बाल्टी क्या देखो हमारे ने सुन, पहला एक्सपेरिमेंट है मेरा, मैं पहली बार लाया प्लाजो, मतलब टाइट प्लाजो। ये मम्मी का है, ये मेरा है। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? अब तो ये चल रहा है। उसको इतना कष्ट लगा इसमें, मैंने बोला उसको की सलवार का कपड़ा डाली आगे से और पीछे से तब लंबा हो जाएगा। किसने? ऊपर वाले दर्जी ने। नहीं डाला उसको, लगा की इतनी मेहनत किसने करनी है। नहीं नहीं इसमें तो लगा है ऑलरेडी, बोला और कितना लगाना है। तो उसने तो सलवार का ही कपड़ा लगाया है यहाँ पिछली साइड से लंबा करने के लिए।
आ गई बाहर। कहीं जाने का जी। तो अभी जस्ट जो है घर पहुंचे, मतलब आनस आज आनस ही रुका हूँ, कल जाऊंगा घर को। तो इन भैया भाभी ने बोला कि यहीं रुक जा, तो फिर मैं यहीं रुक गया, नहीं तो मैं घर जाने वाला था। तो चलो कल जाते हैं, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलो इस वीडियो के एंड यहीं पे कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।